ओम दिनमंदुगुलिजदन्मिंद्रो महालयं सर्वसिद्धिग्रजवागतस्वस्ति ओम सर्वोर्भ्यदेहुग्नामि एतत्त्वं ग्रहाधिपत्ये नमो नमामि ओं ब्राह्मकन्याश्रीवाद कूफलो फूलो अन्न धन लक्ष्मी चौग्नियोता सुख शांति वे नमो नमामि अन्नवान धनवान लक्ष्मीवान व्यापारवान ओम दीर्घायु सुख शांति वे नमो नमामि करछोटो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी जाखड़ व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं जोरों शोरों से। एंड आई नो पिछला जो व्लॉग था काफ़ी दिन हो गए उसको आए हुए और इस व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। आई नो बट यस, मैं थोड़ा सा बिजी थी एक्चुअली। मेरी मेड नहीं आ रही है पिछले एक हफ्ते से, वो छुट्टी गई हुई है, गांव गई हुई है कोई शादी में, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी एंड बहुत कुछ काम हो गया था। वो आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखेगा कि कहाँ मैं बिजी हो रही थी इतना। एनीवेज, ये व्लॉग है मेरे ब्रदर की फैक्ट्री के इनॉग्रेशन का, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था एंड सेकंड पार्ट मैंने उस आज अपलोड कर रही हूँ। आई थॉट कि काफ़ी लंबा है तो उसको दो पार्ट में डालते ताकि मुझे भी एडिट करने में ईजी रहे और आपको भी देखने में मजा आए। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह पहुँच चुके हैं एंड पंडित जी का वेट कर रहे हैं एक्चुअली, और वेट करते करते सब लोग एक बार चाय पी लेते हैं। और मैंने लास्ट व्लॉग में, जैसे कि आपने अगर देखा है, नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, मैंने उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे एक फैक्ट्री में कपड़ा मतलब प्रिंट होता है, कैसे इसके प्रिंटिंग होती है, कैसे वो डाई होता है, सूखता है, जो भी सारा कुछ प्रोसेस मैंने उसके अंदर शो किया है। अगर आपने नहीं देखा, किसी भी चीज़ को बनने में इतना मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है। जैसे कि आप मेरे हाथ में कप भी देख रहे हैं ना, तो इतने से छोटे से कप जो 5 रुपये का भी नहीं होगा, 2 रुपये का कप होगा या 1 रुपये का होगा, 5 रुपये की तो चाय आती है, तो इसको भी बनने में इतना लंबा प्रोसेस लगता है, इतनी मशीनरी, इतने लेबर, इतने वर्कर्स, जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू आर ओके विद दैट? सो यहाँ पे पंडित जी अभी तक आए नहीं है, तो हम सोचा कि कुछ छोटी मोटी तैयारी जो हमारे लायक है या जो हम लोग कर सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं, और जब पंडित जी आ जाएंगे तो वो जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। और यहाँ पे फाइनली पंडित जी आ चुके हैं बहुत सारे कॉल्स करने के बाद, क्योंकि इस दिन बहुत सारे मुहूर्त थे, ये क्या था, देव उठनी ग्यारस थी शायद, तो इस दिन बहुत सारी जगह मुहूर्त थे, पंडित जी बहुत ज़्यादा बिजी थे। और बस अब जैसे जैसे उन्होंने बताया हवन के लिए जो भी मिट्टी लगती है, जो भी पूजा का जो भी सारा सामान होता है, तो वो सारा हम लोग लेके ऑलरेडी आ चुके थे, उन्होंने लिखवा दिया था। फिर भी कुछ छोटा मोटा चीज़ें रह गई थी, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी भाई लोग हैं तो वो ले आए थे। और अब हम कन्याओं का यहाँ पे, यार कोई भी पूजा घर में, कोई भी पूजा या कुछ भी ऐसा शुभ कार्य होता है उसमें घर की कन्याओं का, बेटियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे थैंकफुली हम लोगों का आज के दिन बहुत पॉकेट मनी भी काफ़ी सारी होने वाली है और मज़ा भी खूब आ रही है, क्योंकि सारी चीज़ें हम सही करवा रहे हैं कन्याओं से, लड़कियों से। और फिर जैसे पीयू बड़ी हो जाएगी तो हमारे घर में जो भी काम होगा हम पीयू से करवाएंगे। और अब चलते हैं बाहर। अच्छा लग रहा है।
ये होता है ना।
ओम रंग रंगेली रत्नमाला गंगा गवरी वरताल सपनिया गवर जापंचों की उपक्षवाई इलाहोल प्रदेशो मोती लोल प्रदारो सुनी बैठना बांधो बंदरमाल अलग निरंजन परम गुरु श्री चौपान हार सीता की मात्र वागिल श्री चौपान हार सीता अपनिया हम से पहले मंगलचार दूजो फेरो कलु काल को राजा भूषमान भगवान ने एक बार गुरु को मान लिया ते तो कहीं चांद का है तू यार क्या पर दिखी नहीं हमें ये पीयू का थैंक यू तो पियो थैंक यू क्या ना तो हाँ ऐ ठड़ाते हैं थोड़ी ले चलो तारो उतर के सोलो तो आज की जय हो आज के आनंद की जय हो अंदर चलो सब लोग अंदर चले गए होगी मामा के ऑफिस की पूजा अब अंदर जा सकते हैं आराम से ओ इतनी बड़े गण कौन अच्छा पूजा हो चुका है अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है ये लोग बना रहे हैं क्या लग रहा है आपको मामू के साथ क्या खा रहे तू और अब सब लोग क्या पियेंगे बहुत बंकू एटो बह जा सर्व कर हैंगो नहीं ए बड़ी गिलास और एटो बहन गात हैंगो नहीं मैं अभी ले लाऊं तू एटो बहन गात तो जा स्वाहा सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आया है तो खूब सारा प्यार आशीर्वाद मेरे छोटे भाई के लिए जरूर जरूर देना कमेंट्स के थ्रू एंड
उसके नया जो भी इसका काम स्टार्ट हुआ, उसकी जो एक नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, उसके लिए आप अपना बहुत सारा आशीर्वाद, अपनी बहुत सारी दुआएं देना। आई नो ये काम स्टार्ट हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, बट स्टिल दुआओं का और आशीर्वाद का कोई समय नहीं होता। आप अपना प्यार खूब सारा भर भर के देना मेरे भाई के लिए, और उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। तो बस फटाफट से कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आपके साथ जल्द ही नए नए व्लॉग्स शेयर करने वाली हूँ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज़।